हाँ नौ मंदिर कितने ले रहे हैं? थप्पड़ खाने वाला एक कर्मचारी है और मारने वाले हैं राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी। जोशी जी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। अब जोशी जी का यह थप्पड़ कांड सोशल मीडिया पर वैसे ही वायरल हो रहा है जैसे जंगल की आग फैलती है। सांसद जी ने नारकोटिक्स कर्मी की कथित वसूली को लेकर एक सरकारी कर्मचारी से पहले बात शुरू की और एकाएक उस सरकारी कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया। इस दौरान कई पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद थे। घटना की ये पूरी तस्वीर प्रतापगढ़ जिले की बताई जा रही है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया जिसमें कर्मचारियों के रिश्वत मांगने की शिकायत मिली। सर दो के नामांतरण वाले हैं हमारे और दो के वो नामांतरण वाले के 30,000 बिना वाले के 20,000 मुखिया को सपना हो गया। मुखिया कुछ घेरा होगा तो मुखिया बोल रहा है ना मुखिया को घेरा प्रेशर कर रहे होंगे। मुखिया को राजस्थान बताया पट्टा कट जाएंगे बेचारे तो मजबूरन ला के देगा। आज की बात लगातार क्यों करते हो ऐसा? ये जिंदगी निकल जाएगी। कोरोना में खतरा ही चली गया कई आते पल्ले ले गया। किसान को दिन रात मेहनत करूँ सोयाबीन फसला वकड़ी की पट्टा दे रहा के चलो धन लिखा रहा हूँ मैडम। इसको आप से कोई जाना पकड़ के लाना कौन है वो तभी क्या ले जाएंगे क्या साथ आप जानते हो मुखिया जी देखा ना सर मुखिया जी देखा ये आ गए कैसा पैसा चाहिए नामांतरण की नामांतरण कितने ले रहे हो? शिकायत मिलते ही चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंच गए और कर्मचारी से वार्तालाप करने लगे। इस दौरान जैसे ही एक कर्मचारी ने नामांतरण के नाम पर 5,000 रुपए लेने की बात कही तो सांसद जोशी गुस्से में आ गए और उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में उस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। सांसद सीपी जोशी द्वारा किए गए इस निरीक्षण और थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। बताया गया है कि एक क्रमिक ठेका कर्मी है। सर दो के नामांतरण वाले हैं हमारे और दो के वो नामांतरण वाले के 30,000 बिना वाले के 20,000 ला के ला उसको लाना उसको ऊपर है तो बोला ला के ला उसको मतलब आप सुन सुन के मुखिया को सपना हो गया। मुखिया कुछ घेरा होगा तो मुखिया बोल रहा है ना मुखिया को घेरा प्रेशर कर रहे होंगे। मुखिया को राजस्थान बताया पट्टा कट जाएंगे बेचारे तो मजबूरन ला के देगा। आज की बात लगातार क्यों करते हो ऐसा? ये जिंदगी निकल जाएगी। कोरोना में खतरा ही चली गया कई आते पल्ले ले गया। किसान को दिन रात मेहनत करूँ सोयाबीन फसला वकड़ी की पट्टा दे रहा के चलो धन लिखा रहा हूँ मैडम। आप कोई जाना पकड़ के लाना कौन है वो? नामांतरण कितने ले रहे हैं?